नमस्कार, आप देख रहे हैं नोबगढ़ ज्योति चैनल और मैं आपके साथ महेंद्र वर्मा। सूरतगढ़ से संवाददाता गोविंद भार्गव ने बताया कि सूरतगढ़ रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन पर बाजारों में दुकानों पर राखी खरीदते हुए महिलाओं की अधिक भीड़ नजर आई। आज बहनों ने भाई के इस पवित्र रक्षाबंधन सूत्र पर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी आयु की कामना की। वह मिठाई खिलाई तथा भाई ने अपनी बहनों के लिए सुख दुख में जीवन मरण तक उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया और इस पावन पर्व पर नए वस्त्र आदि बहनों को भेंट किए। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर आज ऐसे परिवार से मिलाते हैं। इस मौके पर मोनिका व प्रीति बताती हैं कि हमें अपने भाई की याद बहुत आ रही है, इसलिए मैं मायूस नजर आ रही है। इन दोनों का कहना है कि हम दो बहनें और एक भाई है, लेकिन हमारा भाई विदेश में काम करता है, इसलिए आज हम अपने भाई को अधिक याद कर रही हैं। हमने अपने भाई को वीडियो कॉल के जरिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और हम आशा करते हैं कि हमारा भाई जल्द ही भारत आए और घर पहुंचे, हम अगले रक्षाबंधन के दिन हमारे भाई के हाथों की कलाई पर राखी बांध सकें। आज रक्षाबंधन का दिन है और आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में ज़रा बताएं। मेरा नाम प्रीति है, मेरे एक ही भैया है, वो विदेश गए हुए हैं ओमान, इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन फिर भी उनसे मैंने वीडियो कॉल पे बात की, उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान से ये प्रार्थना है कि वो जल्दी घर आ जाए, फिर अगला रक्षाबंधन हम साथ में मनाएं। क्या नाम बेटा तेरा?